स्टार्ट हो रही है। क्यों, क्या बता रखा तेरे को डॉक्टर ने? डॉक्टर से चेकअप कराया था, क्या बताते हैं? कभी कहते हैं कब्ज, कभी कहते हैं इंफेक्शन। और कभी क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अब देखो अल्ट्रासाउंड कर दूं तेरा? सीधी खड़ी हो, हाथ नीचे कर, जय शनिदेव का जाप कर, आंखें बंद कर। डॉक्टर ने कहा कब्ज है, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है पेट में, और हम क्या कहेंगे अभी बताते हैं। कौन सी बार आई है? पहली बार? पहली बार आई है? अब नाम बताओ। सिमी। सिमी, पूरे शरीर में फूंक मारी, क्या हुआ? अब ठीक लग रहा है। ठीक तो लग रहा है, लेकिन फूंक कहाँ तक लगी आपको शरीर में? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में फूंक कैसे लग सकती है जब आप कान में फूंक लगवा रहे हैं? पूरे शरीर में कैसे महसूस हो सकती है? सिमी, पढ़े लिखे हो? कहाँ तक? दसवीं। अच्छा, दसवीं पास करके कहाँ छोड़ दिया? दुनिया आज के टाइम में इतनी इतनी पढ़ती है। अच्छा, छूट गई फिर पकड़ा नहीं दोबारा, ठीक है। जैसे ट्रेन छूट गई। वैसे तो जो पढ़ाई किए हुए हैं उनमें से कितने लोग आपके यहाँ नौकरी लगे हैं? आपके आसपास सबने पढ़ाई की है, कितने लोगों को नौकरी मिली है? तो बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती पढ़ने लिखने के बाद। तो आप ये सोचना मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे वैसे नौकरी नहीं मिली है पढ़ने लिखने के बाद, है ना? ऐसे ही तो। अच्छा सिमी, पूरे शरीर में भूख महसूस हुई है, सबसे ज्यादा कहाँ हुई? कान। कान में तो होगी, कान में तो मारी है, पेट में और सर में। पेट में और सर में महसूस हुई? सर में और पेट में, दोनों में ही दर्द रहता है आपको? आया ना समझ में? सर में और पेट में ही प्रेत रहता है, प्रेत बाधा बताई ना अंदर, क्या बताया? घर, आसपास के, आसपास की चीजें हैं, घर में भी प्रविष्ट है और आपके शरीर में भी रहती है, और आपको उसका दबाव भी पड़ता है। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। और शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज जय। अभी कहीं दर्द है पूरे शरीर में? नहीं। डॉक्टर की जो बीमारी है वो 24 घंटे रहती थी आपको? कितने साल से आप इलाज करा रहे हैं बेटा? काफी साल हो गया। काफी साल से, आज तक आराम नहीं पड़ा कब्जी में? अगर आप बीमारी की दवाई खा रहे हो, काफी लंबे समय से दवाइयां खा रहे हो और फिर आपको आराम नहीं पड़ रहा, एक टेस्ट में आ कुछ नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा? टेस्ट में बीमारी कोई आ नहीं रही है। जब टेस्ट में कोई बीमारी आ नहीं रही है फिर डॉक्टर दवाई कहाँ दे रहे हैं भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता। या तो आपके टेस्ट में बीमारी हो, अब आप जा रहे हैं, हाँ, एक तो आप वैसे ही हारे हुए हैं, जब एक डॉक्टर से आपका इलाज नहीं हो रहा आप दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे पे नहीं हो रहा तीसरे पे जा रहे हैं, आपके पैसे वैसे ही लग रहे हैं, फिर डॉक्टर सब्सक्राइब कर देते हैं कि जाओ वहाँ पहुँच जाओ फलाने के, वो दिमाग का डॉक्टर है, तुम्हें दिमाग की बीमारी है, तुम्हें डिप्रेशन की बीमारी बताई है डॉक्टरों ने? नहीं सर, मेरे पेट में दर्द रहता है 24 घंटे। 24 घंटे रहता है? अब है? अब नहीं। कहाँ गया जो 24 घंटे रहता है? मैंने दवाई खिलाई तुझे? नहीं। जब यहाँ बैठी थी था ना? हाँ के ना? तो फिर अभी कहाँ गया? बोलो, दबा के देखो ना पेट को, ऐसे दबा के देखो। नहीं अब, अब नहीं है। बिना दबाए कह रही है नहीं है? बिना दबाए कह रही है नहीं है? क्यों? क्योंकि आपका शरीर, अगर आप इस स्थिति में भी बैठे हैं और पूरे शरीर में कोई चींटू के समान भी कोई चीज काट जाए, आपका हाथ वहीं पहुंच जाएगा, आपको कोई सुई जैसा लड़ जाए, आपको कोई मक्खी काट जाए, आपको पता चल जाएगा कहाँ काटी है। इसका मतलब आपकी चेतना आपके शरीर का पूरा भान रखती है, पूरा ध्यान रखती है। अब भाई डॉक्टरों को कौन समझाए कि जब तेरे टेस्ट में नहीं आ रही है तू काहे दवाई दे रहा है, काहे पैसा खा रहा है इसका? लोग गरीब होते हैं कि नहीं होते हैं? हिंदुस्तान गरीबों से भरा हुआ है, आए ना समझ में? आज भी भारत में 70% लोग गरीब हैं, आज भी गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीरी में नहीं बदली आज।
भारत विकासशील था, विकासशील है, विकसित क्यों नहीं होगा? विकसित इसलिए नहीं होगा, और पहले विकसित था। कब? पहले, जब ना तो इतने वैज्ञानिक थे, 10 लंगोटी वाले बाबा थे, एक वशिष्ठ मुनि, एक भारद्वाज मुनि, एक लोमस ऋषि, तब ऋषि हुआ करते थे, 10 से 20 हो गए, 50 हो गए, है ना। आज तो घर घर में तो भक्त बैठा है, घर घर में पंडित बैठे हैं, तब भी हम विकसित नहीं हो पा रहे, तब भी हम विकासशील ही हैं। क्यों? क्योंकि जो वेद व्यास ने लिख दिया, हमारे प्रमुख ऋषि ने, मुख्य ऋषि ने, हमने उसको माना नहीं, और वो सबके शरीर में घुस गया। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जोर से बोलो भाई, हैं क्या कहते हैं? उसी से हमें बीमारी, और वो टेस्ट में आता नहीं, डॉक्टर हमें दवाइयां देता रहता है, और वो अलग अलग बीमारी करता है। जैसे इसके पेट में बैठा कब्जी, सर में बैठा सर दर्द, जितने लंबे समय तक इलाज कराओगे उतनी ही डॉक्टर आपकी बीमारियां बदलता रहेगा। मैं आयुर्वेद की धारा की बात कर रहा हूँ। प्रेत का जो इलाज है वो आयुर्वेद की एक धारा से है, आयुर्वेद की एक छटा है, आयुर्वेद एक विज्ञान है, और वो आपका चिकित्सा विज्ञान है, और वो बहुत खोज के बाद आपको प्राप्त हो रहा है। वो पृथ्वी के तत्वों से ही उसमें दवाइयां बनती है, जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, अलग से बनाए नहीं जाते। बोलो जय शनिदेव। प्रेत था, है और रहेगा, किसी माई के लाल की ताकत नहीं। आप मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आपने कभी निकाले नहीं। आप मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आप निकाल सकते नहीं। आप मान क्यों रहे हैं, नहीं रहे हैं? क्योंकि भारत के महात्माओं में दम ही नहीं है इतना। पहले उन महात्माओं की सिद्धियां, पहले उन महात्माओं का तप ऐसा था कि लोग अगर उनके आसपास भी आ जाते थे तो प्रेत का उद्धार हो जाता था उनकी तरंगों से। अब होता नहीं है, अब उनका जप नहीं है, अब उनका तप नहीं है, अब ना उनका तप फलीभूत होता है, ना वो यज्ञ करते हैं। इसलिए मेरा भारत विकसित से विकासशील हुआ है कि नहीं? अरे किसी के गुलाम हुए कोई बात नहीं भाई, मुगलों के गुलाम हुए कोई बात नहीं भाई, अंग्रेजों के गुलाम हुए कोई बात नहीं, वे हमारी सभ्यता हमारे ग्रंथ पे रिसर्च कर रहे हैं, अंग्रेज वेदों पे भी, गीता पे भी, हम अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आगे ना समझ में, और उन्होंने कोई नहीं पिछड़ाया, उन्होंने हम सभी पिछड़ा दिए। आगे वो ही राज कर रहे हैं, अंग्रेज जिसको बोलते हैं, वो आज भी सत्ताधारी है। क्या है? आज भी सत्ताधारी हो, ठीक है। आज भारत का प्रधानमंत्री आमने सामने बात कर सकता है अमेरिका के प्रधानमंत्री से। एक दिन ऐसा था, 3 दिन पहले ट्रंक कॉल होती थी, 5-7-10 दिन बाद नंबर आता था बात करने का। आया समझ में? वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते थे। एक दिन ऐसा था, वे सब हमें हे दृष्टि से देखते थे, ये भारत का नागरिक है। और तुमने अपने शब्दों को, जैसे तू नाम का एक शब्द है, तू जिसको कहते हैं तू, उसको हम भगवान के नाम के साथ तो जोड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य सा जो भूत है, मानव है, उसके नाम के साथ जोड़ नहीं सकते। उल्टा हमने प्रेत को तो अलग ही, जो हम भूत हैं, मानव हैं, हमने अपने आप को भी गलत अर्थ में ले लिया कि जो भूत है ना वो मर के भूत है। अरे जिंदा भूत होता है, मरा हुआ भूत नहीं होता। अरे हमारे जो शरीर है इसी को भूत बोलते हैं, भगवान भी किसको भूत बोलते हैं? हमारे जिंदा शरीरों को। अर्जुन सब भूतों के, अध्याय 2 में ही पढ़ लेना, सब भूतों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, वे भूत मानव हैं। आगे ना, वो कहते हैं सब भूतों के हृदय में मैं निवास करता हूँ, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? तुम पास्ट मान रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है। अंग्रेजों ने भूत को पास्ट से जोड़ दिया, लेकिन जब भूत शब्द के साथ काल लगता है, क्या लगता है? काल लगता है, तभी वो पास्ट हो सकता है, उससे पहले वो पास्ट होता नहीं है। क्योंकि भूत तो मानवों को कहते हैं, पंचभूत शरीर को कहते हैं, इसलिए इसको भूत की गणना संज्ञा दी है। अब हम भूत शब्द से भी डरते हैं, प्रेत शब्द से भी डरते हैं। भाई कमाल ही हो गया भाई हमारा,
हमने ना सीखना कुछ, हमारे से अनपढ़ नहीं कोई, भारत से हिंदू धर्मियों से कोई बुराई संसार में हो नहीं सकता। अपनी ही परंपराओं को क्या कहते हैं कुंठित करता है, यही नहीं सोचता एक प्रेत है उसने शरीर में इतनी बीमारी। अरे तो देखो भारत के गरीबों का अरबों रुपया बचना है, मनु भैया जैसे 10-20 लाख लोग हो एक भी प्रेत ना छोड़ दे दुनिया में। भाई तुम डॉक्टर बना रहे हो, प्रेत बनाने वाले क्यों नहीं बनाते? क्यों? अगर प्रेत निकालने वाले बनेंगे तो वे दुनिया भर की बीमारियां ठीक कर देंगे। क्या डिप्रेशन, क्या ये जितनी बीमारियां हैं यहां मैं करके दिखा सकता हूं। यहां लोग अलग अलग बीमारियों के शिकार हैं, वो यहां आते हैं ठीक हो जाते हैं। इसको पेट की बीमारी है, जलन रहती है, डॉक्टर बार बार कहते हैं कितने साल से दवाई खा रही है, बताना जरा मेरी बहना। पहले खाई थी फिर बीच में ठीक हो गया फिर दोबारा हो गया, तो मैं 2-3 साल से चल ही रहा है। 2-3 साल से चल रहा है, कभी थोड़ा आराम पड़ जाता है फिर वापस हो जाता है, कभी थोड़ा आराम पड़ जाता है फिर वापस। डॉक्टर से पूछा नहीं है वापस क्यों होता है? कह रहा खाने से इन्फेक्शन होता है। बोला अच्छा, सारी दुनिया तो खाती रहती है इन्फेक्शन ना होता है, आदमी शराब भी पीता है तब इन्फेक्शन नहीं होता, दुनिया भर का खाना खा लेता है आया समझ में, पेट मोटाता हो चला जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा खाता है तब जाके इन्फेक्शन होता है। बोला मुझे तो खाना ही नहीं मिलता, खाना ही नहीं खा पा रही हूँ मैं तो। कहा नहीं तूने? मैंने 6 साल तक कुछ नहीं खाया, आलू की तीन आलूओं की सब्जी और एक गिलास लस्सी, और मैंने जप किया, मेरे को कदापि इन्फेक्शन नहीं हुआ कम खाने से। और खूब छिक्के भी खाते हैं जब हम आयुर्वेद का नियम भंग करते हैं, जैसे लोग कढ़ी में अगर देसी घी डाल के खाते हैं तो ये आयुर्वेद का नियम भंग होता है। इससे क्या होता है, इससे विपरीत दिशा में हमें नुकसान होता है। ठीक है, इन दोनों का मिलाव है नहीं, ये हमारे आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, ऋषि कहते हैं। अब हम इन दोनों को साथ खाएंगे तो बीमार ही होंगे ना। बोलो शनिदेव महाराज की। हमें तो मौसम के अनुकूल भी, ऋतुओं के अनुकूल भी खाना सिखाया गया है, और ऋतुओं के अनुकूल ही प्रकृति हमें फल देती है कि नहीं? जब अमरूद आते हैं तब अमरूद खाओ, जब संतरे आते हैं तब संतरे खाओ, अपने क्षेत्र से बाहर का कुछ मत खाओ, जो आपके क्षेत्र में पैदाएं होती हैं और पहले होती थी प्रकृति के अनुकूल वही खाओ, उसी से आपको लाभ है कि नहीं? सर्दियों में साग रोटी खाओ, उससे आपको लाभ है, जो फसल जिस टाइम होती है उस टाइम खाने के उसके लाभ होते हैं कि नहीं? तो फिर बाकी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हमारे सब लिखा है। अरे भाई प्रेत है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बना रखी है, अगर प्रेत निकालते रहे तो वे सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, डॉक्टरों के यहाँ का हमारा बहुत पैसा बच। आपको भूख कहाँ लगी? पूरे शरीर में। देखो अब आपको दर्द है पेट में, आपको तो 24 घंटे दर्द रहता था, अभी तो आप बहुत देर से खड़ी है, अब दर्द कहाँ है? जब बैठी थी जब बहुत दर्द, आप आज पहली बार आए हो, मैं ये नहीं कहूँ आप ठीक हो गए, ठीक आज से आपका दर्द चला गया, आपको अभी आना है, मुझे प्रेत को जड़ से निकालना है, वो चाहे बाहर जाते ही पकड़ ले आपको, मैं तो सारी चीज वैज्ञानिक आधार पे कहूंगा। ठीक है, आप आज पहली बार आए हैं, आप ठीक होने की मत सोचना, आप 3 साल से बीमार हो, मुझे निकालने का समय देना इस चीज को, आना। देखा ये होती है बातें,